आजम खान को मिली 3 साल की बड़ी सजा। हेट स्पीच मामले में नप गए आजम। जाने क्या है पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर सीट से विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, जहां बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें रिहाई मिली ही थी कि एक बार फिर से उनके जेल जाने का वक्त आ गया है, जिसकी वजह है उनका भड़काऊ भाषण। दरअसल भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम को रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। बताया जा रहा है कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। अब वही हेट स्पीच आजम खान के गले की फांस बन गई है और गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान को कोर्ट की कस्टडी में ले लिया गया। शाम लगभग 4:30 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनको 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। हालांकि इसके बाद आजम खान को जमानत दे दी गई। आपको बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम अखिलेश सरकार में मंत्री थे, तब उनके ऊपर महज एक मामला दर्ज था। इस वक्त 80 से ज़्यादा मामलों में आजम खान आरोपी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें फैंकर न्यूज़ को।